अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला मलक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रहबर न्यूज़ यूट्यूब लाइव। क्या आपको मालूम है कि आईजी पंजाब के विज़न के मुताबिक पंजाब के ज़िला विहाड़ी में पुलिस तहफ़ मरकज़ कायम कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं पुलिस तहफ़ मरकज़ थाना सिटी विहाड़ी में आवाम को क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। जी, पुलिस तहफ़ मरकज में मेरे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं पुलिस तहफ़ मरकज से के बारे में ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शकील सनम रिहाड़ी से। तो पैगाम मेरा ये है कि पहले तो पुलिस वाले इनकी सुनते नहीं थे, तो जब जाते थे तो डरते थे ये उनसे। तो इंशाल्लाह इस दफ्तर में आए, जो भी है आते हैं, अपना मसला बताते हैं और हम हल करते हैं। उनका डर उतर गया है, जो डर था ना वो डर उतर गया, अब डर नहीं है। उनको अपना हर मसला हमें बता सकते हैं, खुल के बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनका हर मसला हल करेंगे उनका। जी सर, इधर आपकी कम्युनिटी में कोई आपकी तंजीम शादी इधर बिहाड़ी में हुई हुई है? जी हाँ, जनरल क्योंकि सबको बताया हमने, सबको बताया, फ़ोन भी किया, हम खुद भी गए, मैडम भी मेरे साथ गई, हम उनके घर गए, उनको बता के आए हर चीज़ कि जो भी मसला है हमें बताएं, इंशाल्लाह हल होगा आपका। ये मेरे साथ मौजूद थे शकील सनम, जेंडर कम्युनिटी से फोकल पर्सन। अब मैं बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आईजी पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने साढ़े वास्ते तहफ़ सेंटर खोलिया। पहले सानू बहुत मुश्किलों के सामने करने पैंदे सी, हुण सानू कोई परेशानी कोई टेंशन वाली बात नहीं। के इंचार्ज जो हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, ये आवाम को आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, पुलिस तहफ़ मरकज़ का बुनियादी मकसद ट्रांसजेंडर्स और जो माशरे के दूसरे कमज़ोर तबकात हैं, जैसे जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन हैं, उन लोगों को इंसाफ फ्राहम करना, उनकी कंप्लेंट सुनी जाती हैं और क्विक रिस्पांस दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो साहिल आते हैं उनको इधर लाइन में लगना पड़ता है या कोई टोकन सिस्टम है? इधर जो यहाँ पर साहिल आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम को परेशानी से कौन सी परेशानी से वो इधर दो चार होते हैं, क्या आपके पास टोकन सिस्टम है, ये आप ज़रा बताइए। नहीं, यहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं है, वो यहाँ पे आके बैठते हैं और फ़ौरन से अगर तो कोई ट्रांसजेंडर का इशू होता है वो अपने फोकल पर्सन से डिस्कस करते हैं और अगर बाकी कोई इशू होता है वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं। और जो नशई अफराद होते हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ मेल कॉन्स्टेबल हैं, वो उनको हैंडल करते हैं और उसके बाद वो मसला मेरे तक आता है। सही, ये मेरे साथ मौजूद थे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, इंचार्ज हैं ये पुलिस तहफ़ मरकज़ विहाड़ी की। ये बता रहे थे कि हम आवाम को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनमें से जेंडर्स के अलावा कौन कौन से लोग हैं, ये इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, जेंडर्स के अलावा कौन कौन से? चाइल्ड लेबर, जो बच्चे आपको किसी भी जगह छोटे बच्चे काम करते नज़र आते हैं या छोटे बच्चे जो नशों में पड़ जाते हैं, उसके अलावा वैसे नशाई अफराद हो सकते हैं जो हरेसमेंट होती हैं औरतों की, वो ऑफिसज में हों वो पब्लिक प्लेसिस में हों। इसके अलावा जो मजदूर अफराद होते हैं या वो मजदूर भिखारी जो वाकई ही इमदाद के काबिल होते हैं, उन सब की मदद की जाती है। ये मेरे साथ मौजूद थी इंचार्ज, इनका कहना है कि इस सेंटर के अंदर जो जेंडर्स के अलावा मजदूर अफराद हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं, इन सब के लिए इधर सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला मलक को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा रहबर न्यूज़ यूट्यूब लाइव।